लेकिन इसमें वो मिसिंग है भाई, क्योंकि लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती भाई। हेलो भाई, मैं वंगित, फाइनली इंतजार खत्म हुआ भाई, आ गई एक्सट्रीम 125 आर अपने। हाँ, आज भाई धमाल मचने वाला है इस वीडियो में, देख लो क्या लग रही है यार, एकदम कातिलाना बना रखा है। रेडर फेडर इसके आसपास भी नजर नहीं आएगी, इसके डिजाइन के आगे देखना जरा। ओहो हो, आज वाले वीडियो में आपको एक्सट्रीम 125 आर के बारे में अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो में क्या क्या मिल जाता है, ये इंजन जो है वो ग्लैमर का है या फिर दूसरा है, वो भी आपको पता चलेगा। साथ ही कितना ये माइलेज देगी, कितना इसमें टॉप स्पीड मिलता है, और ये महीने का कितना बिकी है पिछले महीने, हर चीज़ आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलेगा। रिव्यू तो आपने बहुत सारा देख लिया होगा यूट्यूब पे इस गाड़ी का, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ऐसा रिव्यू आपने नहीं देखा होगा, इसीलिए भाई वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मज़ा भरपूर आने वाला है। सबसे पहले मैं आप सभी को इसका वेरिएंट वगैरह समझा देता हूँ। इसमें दो वेरिएंट मिलेंगे भाई, एक नॉर्मल आईबीएस वाला मिलेगा, एक आपको एबीएस वाला मिलेगा। ये अपने पास जो है ये आईबीएस वाला है, इसमें देखो एबीएस बीएस नहीं है, तो ये बेस वेरिएंट है भाई। इसका ऑन रोड प्राइस अपने यहाँ बिना एसेसरीज के साथ 1,14,012 रुपये तक जा रहा है। वहीं टॉप मॉडल ले तो एबीएस वाला, तो वो आपको मिलेगा 1,21,104 रुपये का भाई। कलर आपको 3 मिल जाएंगे इसमें, ये अपने पास देख ही सकते हो ब्लू वाला कलर है भाई, हालांकि ब्लैक वाला भी बीस्ट लगता है और रेड वाला तो और भी कातिलाने लगता है भाई। खैर ये मेरे को ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि भाइयों को ये दिखलाते हैं। देख लो इस तरीके का अपने को हेड मिल रहा है भाई इसमें, यहाँ पे डीआरएल मिलता है और ये डीआरएल भाई इग्निशन पे ही ऑन हो जाता है। एच का यहाँ पे एबलम दे रखा है और ये डीआरएल जो है ना ये एच शेप में दे रखा है, मतलब ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा ना, देखो एच बन रहा है ना भाई, तो डीआरएल का टच इन्होंने एच में दिया, एच मतलब हीरो होता है भाई। बाकी इस तरह का एलईडी प्रोजेक्टर मिल जाता है यहाँ पे, ये हो गया लो बीम, ये हो गया हाई बीम। बाकी इंडिकेटर भी फ्लेक्सिबल दे रखा है भाई, मतलब थोड़ा बहुत टच टूच हो जाता है तो टूटेगा नहीं, और एलईडी भी दे रखा है जो कि भाई इस सेगमेंट में कोई भी आपको नहीं देता, आप सभी अच्छे जानते हैं। बाकी इस तरह का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, ये सस्पेंशन भाई मोटा है भाई बाकी सारी गाड़ियों से। बाकी ड्यूल टोन में आपको मडगार्ड मिल जाता है, जैसा कलर लोगे फ्रंट में आपको मिलेगा, बाकी सब में आपको ब्लैक ही मिलेगा। इसके अलावा इस तरह का आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है बेस वेरिएंट में, हालांकि टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं करता। बाकी रिफ्लेक्टर आप देख ही सकते हो, बाइब्रेक का कैलिपर दे रखा है, रिफ्लेक्टर और इस तरह का एलॉय मिलता है भाई स्प्लिट में, एलॉय भी काफ़ी बढ़िया दे रखा है, रेडर से तो लाख गुना बढ़िया लग रहा है भाई एलॉय। बाकी फ्रंट टायर प्रोफाइल अपने को मिलता है, कहाँ गया प्रोफाइल, हाँ देखो 90x90 17 है भाई, 80 नहीं है, ये 90 है, ये 90 है, बाकी 17 इंच का एलॉय मिलता है। बाकी एक बार मैं आपको साइड का कहानी बता देता हूँ, देख लो इस तरह की दिख रही है आपकी एक्सट्रीम 125 आर, मतलब तो बहुत ही बल्कि और बहुत ही बड़ी बड़ी सी, ऐसे मतलब किसी अनजान आदमी से पूछोगे ना जो इस गाड़ी के बारे में नहीं जानता हो, वो एक झलक में बोलेगा कि 150 cc गाड़ी है या फिर 160 cc गाड़ी है, लगता ही नहीं है भाई कि ये 125 cc गाड़ी है। हालांकि ये बैज हटा दिया जाए ना तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 125 आर का बैज, और फ्यूल टैंक पे इन्होंने ट्रिपल टोन दे रखा है, ये अलग है, ये अलग है, बाकी ये अलग है, तो अच्छा लग रहा है भाई, कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया दे रखा है। बाकी ये हो गया फ्यूल फिलिंग का सिस्टम, आपका यहाँ पे चाबी लगेगा खुल जाएगा एक्सट्रीम का, यहाँ पे 3D एम्बलम दे रखा है, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी ये सब आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, इस तरह का इंजन मिल जाता है ड्यूल टोन में, इंजन भी काफ़ी देखने में प्रीमियम लग रहा है। इसके अलावा सिंगल हॉर्न मिल जाता है और इसमें क्रैश गार्ड भी मिलेगा आपको एसेसरीज के तौर पर। बाकी ये रेडिएटर का डिज़ाइन दे रखा है, लेकिन रेडिएटर इसमें नहीं है भाई, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन इसमें आता है। बाकी बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कमेंट वगैरह में कि इसमें इंजन काउल का क्या सीन है, देखो इंजन काउल इसमें मिलेगा लेकिन वो आपको एसेसरीज के तौर पे लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड तौर पे नहीं मिलेगा। अब उसका जो भी प्राइस हो 400-500 रुपये देना पड़ेगा आपको अलग से। बाकी स्प्रिंट EBT का बैज मिलता है, मतलब ये टेक्नोलॉजी हीरो मोटोकॉर्प ने इसके इंजन में यूज करा है, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। बाकी गियर वाला इस तरीके का मिलता है, इसमें 5 गियर है, ये हो गया राइडर वाला, ये हो गया पिलियन वाला, मतलब पूरा भाई स्पोर्टियर वाला फील दे रखा है यार, लग ही नहीं रहा कि कंप्यूटर गाड़ी है, मतलब ऐसे देखो तो कंप्यूटर है नहीं भाई, लेकिन 125 सेगमेंट में लोग बस कंप्यूटर समझ के ही इसको खरीदेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में भी तो इसको यूज करना है, या सब्जी लेने किसी का मन हुआ तो सब्जी लेने भी तो जाएगा इससे, ऐसा थोड़ी ना कि अलग से गाड़ी खरीदेगा स्कूटी खरीदेगा सब्जी लाने के लिए, इसी से जाएगा। तो ये नॉर्मली कम्यूटिंग के लिए भी यूज होगा और हाईवे पर भी भगाने के लिए एक नंबर है। बाकी स्टैंड भी काफ़ी प्रीमियम दे रखा है भाई, देखना जरा, ओए बड़ा सा एकदम स्टैंड दे रखा है, ड्यूल स्टैंड मिलेगा इसमें। अब बहुत लोग कह रहे थे कि मेन स्टैंड इसमें नहीं आता है, आता है भाई, आपको अलग से नहीं लगवाना, स्टैंडर्ड तौर पे मिलता है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कटआउट का फीचर्स दे ही रखा है, और गियर पैटर्न एक नीचे लगता है, बाकी जो 4 बजता है वो पीछे के साइड लग जाता है। बाकी यहाँ पे आपको
एक लेडीज के लिए फुटरेस्ट मिलेगा वो भी एसेसरीज पे, बाकी सारी गार्ड तो देख ही सकते हो यूनिक दे रखा है भाई, मतलब ऐसा सारी गार्ड कोई भी ऑफर नहीं करता इस सेगमेंट में, क्या दूर दूर सेगमेंट तक भी। बाकी यहाँ पे हीरो का बैज चैन आपको ओपन सा मिलता है, नीचे वाला ओपन है भाई, ऊपर वाला ओपन नहीं है, तो मेंटेनेंस भी थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अब माटी वाले एरिया में आप चलाओगे तो थोड़ा सा तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। बाकी इस तरीके आपको रियर हगर मिल जाता है, एक साइड से कसा हुआ है, देखो एक साइड ऐसे खुला खुला सा दे रखा है ताकि लुक बढ़िया निकल के आ सके। अभी थोड़ा रियर की बात कर लेते हैं, देख लो रियर से भी कातिलाना लग रही है भाई, गाड़ी को चारों तरफ से अच्छा डिजाइन कर रहा है यार, मानना पड़ेगा। इस तरीके का आपको ग्रेवल मिलता है स्प्लिट में और काफ़ी हैवी है भाई, देखना जरा हिल हुल कुछ नहीं रहा, सीट आपको स्प्लिट में मिल जाता है और सीट का कुशनिंग का तो जवाब ही नहीं है भाई, A1 सीट दे रखा। हीरो मोटोको वाले सीट वगैरह में कॉस्ट कटिंग नहीं करते भाई बिल्कुल भी, होंडा की तरह। बाकी ये हो गया आपका, कोई बोलता है टेल सेक्शन है, बाकी इसमें लोहा दे रखा है, देखो चीज में ही ये लोहा फिक्स है ना, तो इस पे बैठ वेट जाते हो ना तो टूटेगा नहीं, हालांकि कंपनी ने इस पे बैठने के लिए नहीं बना रखा है, ऐसे शो के लिए बना रखा है। बहुत लोग तो इसको यहां से खोल भी दे रहे हैं भाई, अब आपका मन है भाई खोल भी सकते हो, खोल दोगे तो फिर इंडिकेटर नहीं लगेगा, साथ ही नंबर प्लेट नहीं लगेगा, तो ये चीज़ है। बाकी इंडिकेटर मैंने आपको दिखलाई दिया, फ्लेक्सिबल मिलता है, टूटे उठेगा नहीं भाई। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट मिलता है, ये हेलोजन है या फिर एलईडी है वो भी देख लेते हैं भाई, ऑन किया मैंने, ये हेलोजन है भाई, बाकी जो टेल लाइट है वो एलईडी है, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। अभी थोड़ा एक और साइड से मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, राइट से देख लो इस तरीके आपकी दिख रही है एक्सट्रीम 125R, जैसा उस साइड डिजाइन है वैसा ही अपने को इस साइड डिजाइन मिल रहा है भाई। इस तरीके का एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है अपने को, थोड़ा छोटा सा बल्की में, जैसा अपने को उसमें मिलता है ना भाई एक्सट्रीम 160 में, सेम वैसा ही इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम दे रखा है। ये थोड़ा इन्होंने कॉफी कलर का टच दे रखा है, थोड़ा यूनिक लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपको खाली खाली सा फील लग सकता है, लेकिन बल्कि लग रहा है भाई, ये खाली खाली दे रखा है ना तो फील थोड़ा यूनिक आ रहा है। इस साइड भी अपने को 125R का बैज मिलता है एक्सट्रीम का, यहाँ पे भी बैज दे रखा है, यहाँ पे भी वो बैजिंग मिलता है जो इसके इंजन में यूज किया गया टेक्नोलॉजी। बाकी मेन चीज तो भाई इसका किक है यार, वो जानते हैं कि हम इंडियन को भाई किक यूज करने में कितना मजा आता है, तो इसीलिए उन्होंने दे दिया भाई, ये काफी अच्छा करा है यार, बहुत लोग खुश हैं इसके प्रति। बाकी हीरो का यहाँ पे देखो डिजाइन काट रखा है, ये स्टिकर वगैरह नहीं है भाई, ये इंजन में थोड़ा सा इन्होंने कटिंग करके ब्लैक कलर कर दिया है, बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपका देख लो इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए सिस्टम भी दे रखा है। बाकी ये हो गया फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और यहाँ पे आपका ये खोल के मोबिल डलेगा या फिर इंजन ऑयल डलेगा जो भी कहो। बाकी एटलेटिक कन्वर्टर पे गार्ड भी दे रखा है, ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, एटलेटिक कन्वर्टर पे मतलब पत्थर पुत्थर लगता है तो टूटे उठेगा नहीं और पचके पचकेगा नहीं। बाकी ये हो गया ब्रेक पैडल, ये हो गया राइडर वाला, ये हो गया पिलियन वाला, दोनों फोल्डेबल है भाई, मतलब भगवान ना करे कभी गिर गुर जाते हो गाड़ी को लेके तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा, टूटेगा नहीं। बाकी यहाँ पे गार्ड दे रखा है, यहाँ पे वो सिस्टम मिलता है CBS वाला, जैसे CBS ही है एक तरह से, IBS कंपनी बोलती है, जैसे रियर वाला ब्रेक लोगे तो फ्रंट वाला थोड़ा सा फ्लाई होता है, तो वही वाला यहाँ पे सिस्टम दे रखा है भाई। बाकी ये ब्रेक वाला ऑयल है, और एक जो सिस्टम तो मैंने आपको दिखलाई दिया, हीरो का बैज यहाँ पे भी दे रखा है, और ये सब सीट भाई बढ़िया से एकदम चिपक जाता है, फिट एंड फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया दे रखा है भाई। ये सीट खुला था अभी बैटरी वगैरह लगने के लिए, तो मैंने उस पर एक शॉर्ट्स बनाया है। बाकी इसमें 12V 4A का नॉन मेंटेनेंस बैटरी दे रखा है, यहाँ से देखते हो तो इस तरीके दिख रही है आपकी एक्सट्रीम 125R, मतलब कोई कह सकता है यार यहाँ से देखने पे कि 125cc गाड़ी है। फ्यूल टैंक देखना कितना बल्कि है यार, मैं एक बार आपको बैठ के दिखलाता हूँ तब आपको पता चलेगा भाई, देखना जरा, मतलब मैं थोड़ा सा मोटा हूँ भाई, 75+ मेरा वेट है, फिर भी भाई मेरे पे ये छोटा नहीं लग रहा, देख रहे हो कितना बल्कि है। मैं कैसे आपको बताऊं, कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये फ्यूल टैंक बहुत ही बल्कि है भाई। हालांकि इसमें कैपेसिटी 10 लीटर ही मिलता है, E20 का बैज दे रखा है, मतलब आप 20% एथेनॉल डाल के पेट्रोल में चला सकते हो, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बाकी हैंडल बार आपको स्ट्रेट मिलता है एकदम ब्लैक कलर का, और इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है। मीटर कंसोल से पहले की दिखला देता हूँ, देख लो एक साइड आपको हीरो का लोगो मिलता है, एक साइड आपको हीरो का बैज मिलता है। स्विच वगैरह दिखला देता हूँ, देखो यहाँ पे पासिंग का मिलता है, यहाँ पे लो बीम हाई बीम इंडिकेटर और हॉर्न, हॉर्न सुनते हैं थोड़ा यार। यहाँ पे i3s मिल जाता है, इसमें i3s ऐसे ऑन ऑफ करोगे, बाकी इंजन किल स्विच दे रखा है इंटीग्रेटेड इसी में, यहीं से स्टार्ट करोगे यहीं से बंद भी करोगे। देखो अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो ना तो यहाँ पे एक बटन ज़्यादा आपको मिलता है 1000 का, चारों इंडिकेटर आप एक साथ चला सकते हो, लेकिन इसमें वो मिसिंग है भाई क्योंकि इसका प्राइस 10,000 रुपये कम है ना टॉप एंड वेरिएंट से। मीटर कंसोल में आप देख लो इतना सारा फीचर्स मिलता है, कॉल वगैरह सब चीज़ मिल जाता है भाई, मतलब मीटर कंसोल में कंपनी ने भेदभाव नहीं करा है कि टॉप मॉडल में हम ये देंगे बेस मॉडल में ये देंगे, ऐसा नहीं है भाई। टॉप मॉडल में जो आपको मीटर कंसोल मिलता है वही आपको बेस वेरिएंट में भी मिलता है, और इसमें बतेरों फीचर्स है भाई, मतलब बताने चलूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह सब चीज़ तो होगा, बस इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता। यहाँ पे RPM मिलता है, 11,000 RPM दे रखा है, इंडिकेटर बंद करते बैटरी डाउन हो जाएगा। बाकी ये स्पीडोमीटर हो गया, गियर पोजीशन भी है, जैसे गियर लगाओगे तो मैं लगाता हूँ, देखो दो नंबर शो होने लगा, गियर पोजीशन भी है, इसको खड़ा कर लेने दो। ये हो गया टाइम, टाइम भी दे रखा है जो कि बहुत ही यूजफुल है आज के डेट में। बाकी ऑडोमीटर और फ्यूल गेज, और इसके अलावा इसको टॉगल करोगे
तो ट्रिप वगैरह भी शो होगा। ये तो सेट करने के लिए दे रखा है, टाइम वगैरह सेट करने के लिए, लेकिन ये मोड का बटन है। देखो ट्रिप ए और हो जाए भाई, ट्रिप बी और एवरेज भी शो होगा भाई, गाड़ी कितना एवरेज दे रही है ये भी शो होगा। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल वगैरह करने वाले हो तो अपने मोबाइल वगैरह इसमें कनेक्ट कर दो, फोन जो भी आएगा आपके मोबाइल पे तो इसमें शो होने लगेगा। बाकी नीचे कुछ इंडिकेटर दे रखा है जैसे लो बीम, माल फंक्शन, साइड स्टैंड, न्यूट्रल, हाई बीम। देखो हाई बीम कितना तगड़ा प्रोजेक्टर का थ्रो है, देख सकते हो भाई। हालांकि रात में अच्छे से पता चलता है भाई, अच्छा है यार, बढ़िया है, मैंने देखा था वीडियोज वगैरह। ये हो गया इंडिकेटर और ये हो गया आई थ्री एस, देखता हूँ ऑन ऑफ होता है कि नहीं। नहीं यार ऐसे नहीं होगा, जैसे देखो बंद करता, हाँ देखो अब हो रहा है ना, पता चल रहा है कि आई थ्री एस ऑन हो चुका है। ये आई थ्री एस क्या है भाई, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना ये वीडियो देखने के बाद। बाकी और कुछ यहाँ पे अपने को नहीं मिलता, और कुछ तो दिख नहीं रहा भाई, और कुछ नहीं है, बस आई थ्री एस तक ही दे रखा है। इसके अलावा बेस वेरियंट में आपको इतना ही फीचर्स नहीं मिलता, एक और फीचर्स मिलता है, देखो यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। कंपनी ने भेदभाव नहीं करा है भाई, इस बार आप फोन वगैरह यहाँ से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे भी इन्होंने डबल टोन का यूज करा है भाई, तो मतलब कॉम्बिनेशन जो दे रखा है ना लुक और डिज़ाइन के मामले में बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है। ये हैंडल बार में आपको थंब भी मिलता है और पकड़ने में आपको तगड़ा वाला फील भी आने वाला है भाई, प्रीमियम वाला। और ये हो गया ब्रेक वाला, ठीक है भाई। और क्लच तो इसका लाइट होगा ही, लाइट है एकदम। और मिरर आपको इस तरीके का मिलता है, मिरर भी काफ़ी यूनिक लग रहा है, गाड़ी पे जच रहा है भाई। ओवरऑल तो मैंने आपको जानकारी दे दी, अभी थोड़ा इसके मेन हॉट के बारे में जान लेते हैं, जिसको इंजन कहा जाता है भाई। तो इसमें अपने को ऑल न्यू इंजन मिलता है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, 124.7 सीसी का। ये आपको मैक्सिमम 11.4 bhp का पावर और लगभग 10.5 nm का टॉर्क निकाल के देगा। देखो इसमें पावर बहुत ही बढ़िया दे रखा है, 125 सेगमेंट में जैसे रेडर फेडर आती है ना भाई, उससे तो इसमें ज़्यादा ही पावर है, लेकिन टॉर्क थोड़ा सा कम है भाई। तो टॉर्क उतना मायने नहीं रखता, बस इनिशियल के लिए टॉर्क मायने रखता है, लेकिन टॉप एंड के लिए मेन पावर ही मायने रखता है भाई। तो इस गाड़ी का टॉप स्पीड काफ़ी बढ़िया है, पावर देखो बढ़िया है भाई, माइलेज आपको एक नंबर निकाल के देगा। ऐसे लोग बाग तो 65 तक निकाल ले रहे हैं भाई, मैंने देखा बहुत सारा वीडियो, तो कोई 65 निकाल रहा है, कोई 67 निकाल रहा है, कोई 60 भी निकाल रहा है, वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं क्लेम पता है कितना करूँगा, 60+ आप मान के चलो। अभी थोड़ा इसका टॉप स्पीड वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, तो 125 तक ये टच कर जाती है भाई। बाकी इंजन तो मैंने आपको बता ही दिया, 124.7 सीसी का मिलता है, लेकिन थोड़ा स्पीकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये 4-स्ट्रोक इंजन है भाई, सिंगल सिलेंडर है और 2 वाल्व वाला इंजन है भाई। थोड़ा इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं, तो अगर आप बेस वेरिएंट लो या फिर टॉप एंड वेरिएंट लो, दोनों का कर्वेट बिल्कुल ही सेम ही है भाई, 136 किलो। आपको हाई स्पीड में चलाने में काफ़ी मजा आएगा, दबी दबी सी गाड़ी एकदम फील होगी, ऐसा नहीं है कि हल्का हल्का लगेगी आपको। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस करा, मैं बैठा था अभी इस पे भाई, लगता नहीं है यार कि 136 किलो की गाड़ी है, मतलब इन्होंने वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया करा है। अब इसमें सीट हाइट मिलता है 794 mm का, 794 mm है ना, तो मान के चलो 5.5 फीट का बंदा आराम से चला सकता है, मैं तो थोड़ा 6 फीट का हूँ भाई, तो मैं तो आराम से चला सकता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें बहुत ही प्यारा दे रखा है, 180 mm का, देख सकते हो, मतलब गाँव वाँव में रहते हो, रोड वोड ख़राब है, फिर भी नीचे से टच नहीं होगा। बाकी इसमें अपने को फ्यूल टैंक मिलता है 10 लीटर का, ये जो आप टैंक इतना बड़ा देख रहे हो ना, इसमें आप मैक्सिमम 10.5 लीटर पेट्रोल रख सकते हो, कंपनी 10 लीटर क्लेम कर रही है। बाकी इसमें जो चेचिस यूज किया गया है वो डायमंड फ्रेम यूज किया गया है भाई। बाकी इसमें आपको 5 फ्री सर्विस मिल जाते हैं स्टैंडर्ड तौर पे, जो कि आपको 460 दिन के अंदर कराना है। और इसके अलावा इसमें वारंटी मिलता है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से 5 साल 70,000 किलोमीटर तक, मतलब 5 साल गाड़ी को बेफिक्र चलाओ एकदम, बस टाइम पे आपको सर्विस कराना है। गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है इंजन से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, तो हीरो मोटोकॉर्प आपको फ्री में बना के देगा। तो देखो ओवरऑल तो मैंने आपको जानकारी दे दिया भाई गाड़ी के बारे में, A to Z बता दिया। कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल का देने वाला है फ्रंट वाला सस्पेंशन, और रियर वाला भी भाई मोनोशॉक यूज करा है, 7 स्टेप एडजस्टेबल, मतलब कोई भी 7 स्टेप एडजस्टेबल नहीं दे रखा है भाई, देखना जरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इसको बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट करा है यार, थोड़ा सा भी धूल माटी इसको नहीं जाएगा, देखना जरा यहाँ पे है। और इसको मैं थोड़ा दबा के दिखाऊँ, देखो कितना दब रहा है भाई, मतलब मज़ा आपको भरपूर देगा। अभी थोड़ा इसका सीट खोल लेते हैं, देन उसके बाद इस पर बैठ के थोड़ा मैं आपको लिटिल लिटिल सा समझाऊंगा अच्छे से कि कैसा इसका पोस्चर वगैरह है। ऐसे आप लगाओगे चाबी और आराम से आपका सीट ऐसे निकल जाता है, और यहीं पे आपको फर्स्ट एड वगैरह मिलता है। और मैं आपको सीट का बता रहा था ना, देखो ये नट खुलता है, फिर उसके बाद ये पैनल खुलता है भाई, ये चीज़ है। बाकी इसको लगाना कितना हार्ड है कितना ईजी है वो भी पता चल जाएगा, मैं बैठा नहीं पा रहा भाई, नहीं तो ये बैठ जाता एक बार में, जो मिस्त्री आए हुए थे ना वो तो एक बार में भी बैठा दिए। रियर वाला टायर आपको मिलता है 120x80/17, भाई साहब टायर 120, मतलब क्या दे रखा है यार, इतना मोटा दे रखा है देखना जरा। और ये भाई आपको 80 मिलता है, बाकी 17 इंच का एलॉय मिलता है। इतना मोटा टायर आपको कोई भी ऑफर नहीं करता, और इतना मोटा टायर होने के बावजूद भी ये गाड़ी इतना माइलेज दे रही है। मैं पता है जब लॉन्च हुआ था ना, बड़ा मतलब वो था कि माइलेज नहीं देगी गाड़ी, सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि 40-45 का खूब से खूब माइलेज देगी। लेकिन जब वीडियोज वगैरह देखा भाई, मैं तो शौक हो गया था,
120 सेक्शन कुछ मायने रखता है भाई। बाकी हाँ एग्जॉस्ट नोट इसका सुन लेते हैं भाई, लगे हैं बहुत चीज मैंने बता दिया आपको। अब स्टार्ट करते हैं, एक्सल में स्टार्ट हो गई यार भाई, स्मूथ है भाई, देख लो भाई इस तरीके का अपने को आइडियल पे आवाज मिलता है, बढ़िया आवाज है भाई। ऐसे वाइब्रेशन तो फील नहीं हो रहा भाई, उतना फील नहीं हो रहा। मैं टेस्ट करूंगा इसका, देख लीजिए सर का बहुत ही मनपसंद गाड़ी है एक्सट्रीम 125 नहीं है 160 है। आपको बढ़िया लगता है गाड़ी? बहुत अच्छा। ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है? उससे ज्यादा जबरदस्ती है। वो 160 सीसी है, पावरफुल गाड़ी है ना। हाँ, बहुत तगड़ा मशीन है वो, इसीलिए इसको पसंद करते हैं। तो उसको 60-70 का स्पीड पकड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, 5 सेकंड में पकड़ लेगा। हाँ हाँ, आप देखे है ना इसका वीडियो? अच्छे से भाई। देखो यार एक्सट्रीम को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया चॉइस है आपका। इसके मीटर कंसोल में एक और सिस्टम मिलता है, आप इसका ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। भाई एक बार भाई लिटिल लिटिल मैं बैठ के आपको दिखला देता हूँ, मेरे पे देखना कैसी लग रही है एक्सट्रीम भाई, तगड़ी तो लग रही होगी कसम से बता रहा हूँ, मस्त लग रहा है ना भाई। और इसका सीट हाइट थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, 795 में सीट हाइट है ना, मतलब 5.5 फीट का बंदा आराम से चला सकता है इस गाड़ी से। आप एक बार में 150 किलोमीटर भी ट्रैवल करोगे ना भाई तो थकोगे नहीं यार, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि इसका पोस्चर देखो यार, बहुत ही मजेदार दे रखा है, मतलब आपको एग्रेसिव बिल्कुल भी पोजीशन नहीं मिलता, आपका पैर वगैरह एकदम बढ़िया से आता है। पीछे आप स्पेस देख ही सकते हो, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ भाई, 75+ मेरा वजन है, तो इतना पीछे स्पेस बच रहा है, तो दो जने कंफर्टेबली बैठा सकते हो इस गाड़ी पे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 3 जने भी बैठा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप गाड़ी खरीद लोगे तो फिर तो आप ही का मनमानी चलेगा ना भाई। लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती भाई कि 3 जने को आप बैठा के गाड़ी पे चलाओ। तो यही है जी एक्सट्रीम का पूरा कहानी, मैंने आपको एक एक चीज हर एक चीज डिटेल में बताई दिया। कुछ भी क्वेरी हो उस गाड़ी से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी हाँ, इसका बिल्ड क्वालिटी वाला वीडियो आपको कल मिलेगा और इसका वाइब्रेशन टेस्ट आपको परसों मिलेगा। तो चलो जी, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।